हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सांसद पर हुए हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, बाड़मेर पुलिस अलर्ट पर। करनी सेना अध्यक्ष गोगा मेडी और खेवसर विधायक बेनीवाल पहुंच सकते हैं बाड़मेर। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर बाड़मेर जैसलमेर सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजपूत नेताओं सहित जाट नेता बाड़मेर पहुंच रहे हैं और बैठकें कर रहे हैं। मामले को लेकर बाड़मेर पुलिस अलर्ट हो गई है। वहीं बाड़मेर एसपी मनीष अग्रवाल के नेतृत्व में बाड़मेर पुलिस में जाप्ते व 15 से 20 गाड़ियों में शहर में मार्च कर रही है। एसपी कार्यालय से निकलकर शहर के अहिंसा सर्कल, चौटन चौराहा, सिंधरी चौराहा सहित विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए बाड़मेर पुलिस ने वाहनों से मार्च निकाला। वहीं सांसद पर हुए मामले का वीडियो जिले भर में वायरल हो गया है, जिससे शहर में शांति व्यवस्था का माहौल ना बिगड़े इसको लेकर बाड़मेर पुलिस शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात है। शहर में जगह जगह वजर और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की गई हैं और शहर में कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने पुलिस को अप्रिय घटना से पूर्व तैयार कर रखा है। सांसद कर्नल सोनाराम पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर राजपूत करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी और खेवसर विधायक हनुमान बेनीवाल के बाड़मेर पहुँचने को लेकर टिप्पणियां की जा रही है। ऐसे में बाड़मेर में कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए बाड़मेर पुलिस अलर्ट पर है। वहीं बाड़मेर पुलिस द्वारा अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की आमजन से अपील की गई है। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।